मैं डॉक्टर आशीष जायसवाल उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ। इलेक्शन लड़ रही है, विकास के मुद्दे पे लड़ रही है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं। और मेरी ड्यूटी आज लगी है इस वाराणसी की पवित्र धरती पर, तो मैं प्रचार करूँगा आम आदमी पार्टी। पंजाब में क्या स्थिति देखते हैं आप? मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं आप। पंजाब में जिस तरीके से लोग अपने आप बाहर आए, वोटिंग हुई जबरदस्त, ये बड़े बदलाव की ओर जाने के संकेत हैं। पंजाब 10 मार्च को एक नई कहानी लिखेगा। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जिस तरीके उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दिखी जा रही है, यहाँ पर अब तक अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं आए 2014 के बाद, तो किस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सीटें आपकी बढ़ेंगी? देखिए, नई पार्टी है, धीरे धीरे हम अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, अपने दिल्ली के विकास मॉडल को, उसके बाद पंजाब के विकास मॉडल को लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का एक्सेप्टेशन कर रहे हैं? ये तो जनता जनार्दन को पता है, जो भी जनता का फैसला होगा वो शर्माते। सर, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आएंगे तो योगी ही। चलो, वो तो पंजाब में भी कहते थे कि सरकार बनेगी, वो तो यूपी में, अपना दिल्ली में भी कहते थे इसके बीजेपी की सरकार आएगी, तो लेकिन पब्लिक है जो मर्जी से। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।